साथियों, भारतवर्ष में सबसे पावरफुल चार हस्तियां हैं। वो चार हस्तियां में इतिहास पुरुष में से महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और विश्व नॉलेजेबल पर्सन, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का फादर कहा जाता है। इन चारों में से चारों हस्तियां ज्यादा से ज्यादा खूबियां हैं। इन लोगों ने देश का गढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा रोल, इंपोर्टेंट रोल निभाए हैं। इतिहास में हमें ये देखने के लिए मिलता है इंडिपेंडेंट वॉर में और इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में, देश का आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा जा रहा था, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये सिर्फ ही सिर्फ 15% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते थे। और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 50% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते थे। इन तीनों ने, चारों नेता में से किनका क्या सोच था? गांधी जी हिंदुत्व व विचार के ऊपर अपना कार्य करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी का बात का साथ निभाते थे और नेहरू जी पढ़े लिखे थे, ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर पढ़ के आए थे। वो महत्वाकांक्षी थे, मतलब उनको कुछ कला था। और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले लोगों को, भारत का वुमेन, भारत का पिछलापन लोगों के लिए लड़ते थे ताकि सबको आजादी मिले। आजादी का मतलब बाबा साहब ये सोचते थे टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ दिस नेशन। भारत का जितने भी पॉपुलेशन है, भारत का जितने भी दबे कुचले लोग हैं, सबको आजादी दिलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई चल रहा था। और दूसरी तरफ गांधी जी हिंदुत्व को शोध करते हुए, हिंदुत्व को विचार को शोध करते हुए, हिंदुत्व का थर्ड का ऊपर बैठकर वो देश को आजादी देने के लिए कोशिश कर रहे थे, आपका उनका लड़ाई लड़ रहे थे। तो डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट, जब भारत इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ रहा था और भारत को डेमोक्रेसी राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए, कंट्री में परिवर्तन करने के लिए इंटरनेशनल दबाव आ रहा था। अमेरिका इंडिपेंडेंट वॉर के बाद अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है और यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन के तहत हर कोई नेशन को आजादी दिलाने के लिए वर्ल्ड का दबाव आता है। तो इस परिस्थिति में भारत को छोड़ने के लिए ब्रिटिश मजबूर हो जाते हैं। जब भारत को छोड़ने के लिए ब्रिटिश मजबूर हो जाते हैं तब ब्रिटिशर भारत का लोगों को ये पूछने लगते हैं भारत ने कैसा शासन चाहिए। तो गांधी जी राम राज्य का शासन का मांग रखते थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर डेमोक्रेसी शासन का मांग रखते थे। ये दोनों में विचार इतना है, एक राजराजुड़ा शासन का डिमांड करने वाला था और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर डेमोक्रेसी का शासन का डिमांड करने वाले थे। अंत में डेमोक्रेसी ही सक्सेस में आ गया, क्योंकि 1932 से लेकर 1947 तक बाबा साहेब अंबेडकर बुद्धि का लड़ाई, कानून का लड़ाई लड़ रहे थे। उनका लड़ाई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कानून का लड़ाई लड़ रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन से लेके राम से मैकडलान से लेकर चर्चिल तक और इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर डालते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को डेमोक्रेसी नेशन में कन्वर्ट करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नारे पर, हिंदुत्व का घोड़े पर बैठकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, आजादी, देश को आजादी। गांधी जी का आजादी का मांग था क्या? ब्रिटिश छोड़ो, सिर्फ ब्रिटिश छोड़ने के बाद देश का शासन राम राज्य होगा, मतलब राजा और राजुड़ा का शासन होगा। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे
हम डबल गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। पहला गुलामी भारत में रहने वाले हिंदुत्व का गुलामी, दूसरी गुलामी भारत को चलाने वाले ब्रिटिशर का गुलामी। ये दोनों गुलामी से हमें आजादी चाहिए ताकि भारत डेमोक्रेसी हो जाए। अंत में ऐसा ही हुआ, अंत में ऐसा ही हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर का बुद्धि का सामने ब्रिटिशर हार गए और भारत को डेमोक्रेसी नेशन में तैयार करने के लिए हाँ भर दिए। और ब्रिटिशर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट हुआ और भारत को छोड़ने से पहले ब्रिटिशर ने भारत में डेमोक्रेसी का मसौदा, मतलब संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ब्रिटिशर ने भारतीयों को कहने लगे। अंत में बाबा साहेब अम्बेडकर को ही यूज करना पड़ा और बाबा साहेब अम्बेडकर देश विकास और देश करने के लिए अपना जिंदगी में इम्पोर्टेंट वर्क निभाए। जो डेमोक्रेसी में सबसे मजबूती का साथ उभरा वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बाबा साहेब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसीलिए विश्व दरबार में हम जब देखते हैं इन नेताओं को आज का तारीख में 21st सेंचुरी में, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहेब अम्बेडकर का सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसा वक्त था महात्मा गांधी जी का दबदबा ज्यादा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात भारत में ज्यादा लोग मानते थे और भारत में लोकप्रिय थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी आते आते बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में लोकप्रिय तो होते गए, उसके साथ साथ विश्व में भी अपना लोकप्रियता का लोहा मना चुके। कालीपन्या यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अफ्रीकन पीपल एंड फ्रांस, जर्मनी, हर कोई देश नेशन बाबा साहेब अम्बेडकर को ज्ञानी पुरुष मानता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को 21st सेंचुरी में नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड का सिंबल ऑफ द नॉलेज का उपाधि दिया गया है। उनका समसामयिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। एवरीथिंग इज डिफिटेड इन फ्रंट ऑफ द टाइम बट नॉलेज विल नॉट डिफिटेड इन फ्रंट ऑफ द टाइम। हर कोई वस्तु, हर कोई चीज वक्त का साथ हार जाता है, लेकिन ज्ञान ऐसा एक वस्तु है वो वक्त का साथ कभी नहीं। वक्त जितना पुराना होते रहता है, वक्त का साथ साथ ये आगे चमकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर वक्त का सितारा बन गए हैं, आज इसीलिए वर्ल्ड में चमक रहे हैं, भारत में चमक रहे हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अम्बेडकर का नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए आज का तारीख में हम 75 इंडिपेंडेंट डे बनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तारीख में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे बेहतर, सबसे बुद्धिमान, सबसे दूरदृष्टा नेता के रूप में कैलकुलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। आज देश डेमोक्रेसी क्यों बना? आज देश इसलिए डेमोक्रेसी बना, सिर्फ ही सिर्फ ये क्रेडिट गोज टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो भारत आजाद तो हो जाता, लेकिन डेमोक्रेसी बन नहीं पाता। यहां फिर राज राजूड़ा का शासन चलता, यहां फिर वर्ण व्यवस्था का कायम होता, यहां फिर मनुसंहिता लागू होता, यहां फिर 85% पॉपुलेशन गुलामी का जिंदगी जीता। इसीलिए आज पूरा भारत वर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर अव्वल नंबर पर है और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत का लोग हर कोई मानने लगा और मान रहे। असली इतिहास जब लोग जान रहे हैं, बाबा साहेब सितारों की तरह चमक रहे हैं। असली इतिहास जब लोग जान रहे हैं, गांधी जी, पटेल जी और सरदार नेहरू जी के बारे में लोग जानने के बाद थोड़ा मन दुखी के साथ। सच सच ही होता है, सत्य घटना को कभी कोई छुपाया नहीं जाता, कोई भी छुपा नहीं सकता। इतिहास गवाह की तरह
एविडेंस लोगों को सामने देता रहता है। इसीलिए साथियों, हर किसी को बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह चमकना है तो नॉलेज का पीछे भागना है, और बाबा साहेब अम्बेडकर का बताया हुआ मार्ग को पालन करते हुए गैर बराबरी समाज को यहाँ मिटाना है, समरसता स्थापन करना है, सोशियल समरसता, अर्थनैतिक समरसता, राजनीतिक समरसता स्थापन करके भारत को एक मजबूती राष्ट्र बनाना है और ताकतवर कंट्री बनाना है, और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट कराने के लिए सिर्फ सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राह दिखाएगा। आप सब लोग इसमें जुड़ जाइए, देश का संविधान को बचाइए और बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।